होप सो आप लोग कब तक आपका जो टेस्ट गया होगा बहुत अच्छे से गया। इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने अहदे से बात है 140-150 स्कोर किया। हालांकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था और इसमें कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट एडवांस लेवल की प्रॉब्लम इन्होंने डाली थी। तो अगर जिस बच्चे को जो थोड़ा दिक्कत होगा वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आपको, हालांकि एडवांस भी नहीं बोल सकते बट मेंस लेवल की प्रॉब्लम थे कुछ, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। और आपको ये भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस का आपको करने की जरूरत है और फिर से एक बार एक वो लेक्चर देखने की जरूरत है जो मैंने आपको नहीं डाले थे। तो कुछ तो आगे मैं जैसे वो आएगा वो क्वेश्चन हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 300 टू 310, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन तो मेरा 46 नंबर देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 310 टू एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा लॉग के2 बाय के1, लॉग के2 बाय के1 ईए बाय 2.303 इनटू आर 1 बाय टी1 माइनस 1 बाय टी2, 1 बाय टी2, ठीक है। इसका मतलब लॉग के2 बाय के1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू ईए बाय, अब उसने किसने पूछा है किलो जूल पूछा, तो आर की वैल्यू आप कितने लेंगे, हम आर की वैल्यू लेंगे 8.314 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 300 10। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू आती है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है 53.6 किलो जूल आता है। कितना आता है 53.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 इट टेक्स 40 मिनट्स फॉर 50% डिकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस टू हाफ इट टेक्स 20 मिनट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। चलो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। 47 क्या बोल रहा कि भैया टी हाफ किसी भी सब्सटेंस में क्या होता है ए नॉट का पावर 1 माइनस एन, ठीक है। तो जब 40 मिनट्स था तो x था 1 माइनस n था और जब 20 मिनट्स था तो x बाय 2 हो गया 1 माइनस n। तो 40 बाय 20 का रेशियो जो होगा वो मैं क्या कर सकता हूँ x बाय 2 का पावर 1 माइनस n, इसका मतलब 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 का पावर 1 माइनस n, तो 1 माइनस n बराबर 1 हो जाएगा, n के बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है फॉर द टू रिएक्शन सेम टेंपरेचर K1 अगर ग्रेटर देन K2 है तो जिस सीधी बात है जिसका K1 ज्यादा होगा उसको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। रेट K1 मतलब डायरेक्ट क्या है रेट कांस्टेंट ज्यादा हो रहा है, रेट कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब ये हो रहा है कि उसका रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टर होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कम होगी। इसका मतलब जिसका K1 ज्यादा उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम, तो मतलब E2 ग्रेटर देन E1 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 इट जस्ट टेक 5 मिनट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ 25 ml ऑफ O2 गैस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि H2O2 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो H2O+O2 गैस बनता है, ये भी लिक्विड में होता है ये भी लिक्विड में होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होगा वो किसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, वो O2 के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसने 25 ml लिया 5 मिनट में और बोल रहा है 100 ml एंड होगा 100 ml पे, तो आपको बोला रेट कांस्टेंट ऑफ डीकंपोजिशन क्या होगा। तो कुछ ने भाई कुछ ने करना k बराबर क्या करना 2.303 बाय t log ऑफ a नॉट बाय at। अब यहां पे देखो बड़ी वाली वैल्यू आप हमेशा ऊपर रखोगे तो 2. कितना रेट कांस्टेंट ऑफ बोला 2.303, टाइम कितना दिया उसने, टाइम उसने दिया हुआ 5 मिनट, कितना दिया हुआ 5 मिनट, तो log ऑफ इनिशियल उसने कितना लिया 100 बाय 20 51 का आंसर क्या होगा, 51 का मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, 51 का अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, 51 का जो आंसर होगा जस्ट कंफर्मेशन कंसंट्रेशन का है ना, सॉरी 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 मैंने देखा नहीं था,
51 का ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, 51 का डी होगा राइट। 52 की बात करें, 52 में क्या बोल रहा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, इट वाज फाउंड दैट 75% ए का डबल होने का टाइम लगता है, तो इसका मतलब ये होगा 52 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 52, 51 का डी है, 52 का क्या बोला, टी 75% ऑफ ए जो है 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ ए, इसका मतलब ए का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ये ऐसा से फर्स्ट ऑर्डर में होता है, और टी हाफ टी 100% ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ बी, ये कब होता है, ये जीरो ऑर्डर में होता है, मतलब बी का ऑर्डर कितना होगा, जीरो होगा, तो ओवरऑल ऑफ का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा नेट ऑर्डर, ठीक है। 53 की बात करते हैं, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन लिमिट टेंड्स टू टी इज व्हाट डज द नेगेटिव शोन शो, ठीक है, व्हाट डज द नेगेटिव साइन शो, नेगेटिव साइन शो क्या शो करता है, दैट्स नथिंग बट डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इट शो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 आपको दिया हुआ है, तो आई होप से आपने डायरेक्ट कर लिया आपको क्वेश्चन, फिर भी अगर एक क्वेश्चन है तो एक फॉर्मुलेटिंग तौर पे मैं बता देता हूं, 52 बराबर हैबर्स प्रोसेस में दिया हुआ है, हैबर प्रोसेस का फार्मूला क्या होता है, 2 ये रिएक्शन होती है, इसका मतलब क्या होता है, 1/3 डी ऑफ H2/dt, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने क्लास टेस्ट में भी कराया है, प्लस 1/2 डी ऑफ NH3/dt, इसका मतलब ये होगा -1/3, हां मुझे निकालना है ना रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी, तो लेट इट बी x इज इक्वल टू 1/2 इनटू 6 इनटू 10^-3, इसका मतलब x की वैल्यू होगी 9 × 10^-3, ठीक है, 9 × 10^-3, तो ये वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 आप देख सकते हैं, देखो इसको क्वेश्चन का अकॉर्डिंग चलना था और इसको हम प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है, तो आप केमिकल काइनेटिक्स सेक्शन में जाइएगा क्योंकि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है YouTube में, ठीक है, ये इस टाइप के प्रॉब्लम मैंने एडवांस वालों को कराए हुए हैं, और हालांकि एडवांस मेंस के ऊपर और एडवांस के नीचे के प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन बच्चों को मैंने ये क्वेश्चन कराए हुए थे, एक बार आप हैव गो थ्रू दैट, एडवांस लेक्चर में मैंने डाला हुआ है वो, ठीक है, आपको याद होगा लेक्चर नंबर, तो ऐसे मुझे याद नहीं है, 6 या 7 लेक्चर नंबर होगा वो, माइट बी पॉसिबल 6 या 7 नंबर लेक्चर नंबर, सिर्फ एडवांस लेक्चर मैंने करके डाला था, जिससे मैं आपकी मैंने तो वो दिया था ना आपको, मैंने 35 क्वेश्चन का एक सेट दिया था जो आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, और उस दिन मैंने उनको एडवांस करने के प्रॉब्लम डाले थे, उस दिन आप चेक कर लीजिए, इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने करा है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं था, ए टेस्ट को क्या दे रहा है, बी प्लस सी प्लस डी, इनिशियली उसने क्या बोला, प्रेशर पी नॉट तब ये 0 0, पी माइनस पी नॉट माइनस पी वन, ये पी वन, ये पी वन और ये पी वन, और इस टाइम पे टोटल प्रेशर उसने कितना दिया हुआ, पी दिया हुआ, उस टाइम पे उसने टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, देखो पी दिया हुआ है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटेड कांस्टेंट, ठीक है, तो मुझे पता है पी नॉट माइनस पी वन प्लस 3P1 डायरेक्ट करता हूं मैं, ठीक है, 3P1 इज इक्वल टू पी, तो मैं आपका बस ये होगा कि P1 को आपको P के फॉर्म में रिप्लेस करना है, तो P1 प्लस 2P0 प्लस 2P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस P0 बाय 2, के बराबर क्या होगा, 2.303/t log of a0/at, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, के बराबर के को क्या कर सकता हूं, 2.303/t log of p0/p0 - p1, ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/t 2.303, ठीक है, log of p0/p0 - p - p0/2, तो एग्जैक्टली इसका एक्सप्रेशन आता है 2.303/t log of twice of p0/3p0 - p, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन लीनियरली इंक्रीज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, वैल्यू ऑफ ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इतना दिया था, एट व्हाट टेंपरेचर हाफ लाइफ ऑफ विल बी 10 मिनट, ठीक है, हालांकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं थी सब क्वेश्चंस में,
क्वेश्चन नंबर क्या बोला 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला, एट व्हाट टेंपरेचर हाफ लाइफ ये होगा। तो पहले उससे में क्या निकला, हाफ लाइफ से हाफ लाइफ दिया मतलब के दिया हुआ, के दिया मतलब के इक्वल टू डॉट ए इनटू ए इनटू डॉट ई ई रेस टू ई ए माइनस आर टी बाय डेल्टा फार्मूला लगाएंगे तो के का वैल्यू होगा 0.693 बाय टाइम्स ने कितना दिया हुआ 10 मिनट दिया हुआ, तो इसको मैं सेकंड में कर लेता हूं 600 सेकंड, तो 1.1 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स आता है। और log के बराबर क्या होता है, log के बराबर आता है log a माइनस ea बाय rt। तो यहां से बस टेंपरेचर निकालना है, log a की वैल्यू हो जाएगी 1.1 × 10⁻³ * log of a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू होगी 4 × 10⁻³, 4 × 10⁻³ माइनस ये के वैल्यूज में कितने दी हुई है 98.6 किलो जूल है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना जूल में 3, ठीक है। आर के वैल्यू 8.314, ठीक है, और 2.303। अच्छा 2.303 भी रहता है ना यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, 2.303 जब इसको रोलर करोगे तो यहाँ से जब टेम्परेचर इनटू टी, तो यहाँ से टेम्परेचर आता 310.9, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, एक केमिकल काइनेटिक्स इतना दिया हुआ है, 3 स्टेप में हो रहा है, हैविंग रेट कांस्टेंट k1 k2 k3, ठीक है। e1 e2 e3 के वैल्यू से दिए हुआ और ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन k1 k3 / k2 दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। k1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a1 डॉट माइनस e1 / rt, k2 को क्या लिख सकता हूं, a2 डॉट माइनस e2 / RT, और K3 को क्या लिख सकता हूँ, A3 dot minus EA3 by RT। तो K की वैल्यू क्या होती है, K1 K3 by K2, तो इसको लिख सकता हूँ मैं A1 A2 by A3 अलग कर दिया dot minus EA1 plus EA3 minus EA2 ऐसे कर दूँ by RT, और ये किसके बराबर हो जाएगा, A dot minus EA effective by RT, ये इफेक्टिव, ये कंपैरिजन कर लो तो ये इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा, ये इफेक्टिव बराबर हो जाएगा EA1 plus EA3 minus EA2। तो EA1 आपको कितना दिया हुआ है, EA1 दिया हुआ है 50 + 30 - 40, तो दैट्स नथिंग बट 40 किलो जूल आपका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, हालांकि ये सब क्वेश्चन आपको अवस्थी में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किसके, द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ कैटेलिटिक, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ एंड नॉट ऑफ प्रोडक्ट ओनली। नहीं, इस 59 का मोस्ट प्रोबेबल आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, 60 आपको रेट का एक्सप्रेशन दिया, ठीक, आसान क्वेश्चन, 60 में कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं थी। 60 का दिया हुआ रेट ऑफ द स्लो स्लोएस्ट स्टेप का ही मेरा रेडियस हो जाएगा, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए डॉट बी, ठीक है। अब इसमें ये चेक करो, इसमें ये चेक करो कि आपका जो है, हाँ मतलब पहले इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, इसका मतलब यही, अगर देखो तीसरा स्टेप अगर इसका स्लोएस्ट स्टेप होता ना, इसका मतलब सी आपका क्या होता था, इंटरमीडिएट, तब आपको सी को हटाना रहता था, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन से, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास टेस्ट में भी दिए थे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 60 का बी हो जाएगा, ठीक है, 60 का बी हो जाएगा। 61 पॉइंट ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, लॉ ऑफ मास एक्सेलरेशन थ्योरेटिकल प्रपोजल, बिल्कुल सही बात है, रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन द लॉ ऑफ मास एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्सेलरेशन थ्योरेटिकल कांसेप्ट है और रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है, रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्सेलरेशन, ये गलत है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ये दूसरे, ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकते इन चीजों में, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका डी ही है। तो 62 नंबर की बात करें, इन द फॉलोइंग प्लॉट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्लोप इज इक्वल टू देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका स्लोप जो होगा, अरे तो ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो इसका स्लोप क्या हो सकता है मेरे साथ, तो इसका स्लोप जो होगा बी होगा, माइनस के के बाय 2.303, माइनस के बाय 2.303 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन आपने किया है 63, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर 0.3 ऑप्शन बी होगा, 63 का बी आएगा, उसका सबने कर लिया होगा,
64 नंबर केमिकल रे देखो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस विद द फार्मूला k इक्वल टू p इनटू z e डैश टू माइनस e बाय देखो p इनटू z बोला था ना p प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है z पोजीशन फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है तो यहां से आपको ऑलरेडी मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन तो p और z पे भी डिपेंड करता है लेकिन आप उसको डायरेक्टली चेंज नहीं करवा सकते वो एक बिल्कुल इमेजिनरी कांसेप्ट है बट आपके हाथ में क्या होता है आपके हाथ में एक्टिवेशन एनर्जी होती है सिर्फ तो सिर्फ लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू ही आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हो इंक्रीज कर दो 64 का आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 आंसर बी हो जाएगा ये मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 66 की बात करूं 66 आपका क्या बोल रहा है 66 बोल रहा है फॉर अ रिएक्शन ए टेंड्स टू ए प्लस बी टेंड्स टू प्रोडक्ट इट इज फाउंड दैट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन ए एंड बी 1 एंड 2 दिया हुआ है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ देन बी एंड दैट ऑफ बी इज डबल द रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ठीक है क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है पहले रेट का एक्सप्रेशन लिखो के ए के रिस्पेक्ट में 1 है बी के रिस्पेक्ट में 2 है ए के रिस्पेक्ट में 1 है बी के रिस्पेक्ट में 2 है और कंसंट्रेशन r1 r डैश जो होगा न्यू कंसंट्रेशन 2 का पावर 1 और बी को कितना कर दिया बी को ने ए को हाफ कर दिया और बी को ट्वाइस कर दिया तो रेट अगेन किसके बराबर होगा रेट होगा ट्वाइस ऑफ r1 तो 2 टाइम्स रेट क्या हो जाएगा मेरा बढ़ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 67 अगेन आपने कर लिया होगा आपको डाउट हो तो पर्सनली आप पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर 67 का सी आंसर होगा याद रखिएगा ठीक है ये प्रीवियस लेक्चर में भी प्रीवियस लेक्चर छोड़ो ये मैंने क्लास में भी कराया ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास टेस्ट में भी दिया था तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करा क्वेश्चन नंबर 68 भी आपने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर सी था क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 देखो पहला ग्राफ तो फर्स्ट ऑर्डर का दिख रहा है थर्ड ग्राफ सेकंड ऑर्डर का दिख रहा है तो 69 का जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए 69 का ए आंसर होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा बी एन प्लस एम हो जाएगा ऑर्डर होते देखने समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 71 देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 71 सारे तो सब सही दिया हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टर तो फर्स्ट ऑर्डर होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3 सोडियम मॉलिक्यूलर रिएक्शन है बिल्कुल सही बात है और स्पॉन्सिफिकेशन ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल सही है डी ऑप्शन गलत है क्योंकि H2Br2 एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन शो करता है दैट मींस ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जीरो ऑर्डर नहीं हो सकते कभी भी ठीक है क्वेश्चन नंबर 72 में फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है टाइम टेकन फॉर 75 कन्वर्जन इन मिनट ओके क्वेश्चन नंबर 72 के बराबर हो जाएगा 1/T ln A0/80 तो के बराबर हो जाएगा 1/T T 75% के पूछा ना टाइम टेकन फॉर 75 कन्वर्जन ओके 75 कन्वर्जन इन मिनट तो यहां पे टाइम लिख लो यहां पे के लिख लो ln 100/75 मतलब 4 हो जाएगा और k को आप क्या लिख सकते हो k को लिख सकते हो ना ln 2 by t half यही कर सकता हूं मैं k को मैं लिख सकता हूं 1 by ln 2 उसके ऊपर क्या हो जाएगा t half हो जाएगा ln 4 हो जाएगा t half उसने कितना दिया हुआ है t half को फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट आपको ये दिया हुआ अच्छा रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है माय मिस्टेक t half का जरूरत नहीं था तो रेट कांस्टेंट है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2.303 log ऑफ 4 है log ऑफ 4 हो जाएगा आपका 6.909 तो ये हो जाएगा 1/3 2 log 2 तो 2/3 log 2 आंसर होगा 2/3 log 2 आंसर सी 72 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट 74 क्या है 74 बोला द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द रेट कांस्टेंट इज इतना दिया हुआ है देन इसका कंसंट्रेशन साइक्लोप्रोपेन इतना आप निकाला एक वन सेम फार्मूला ये फार्मूला सेम है के दिया हुआ टी दिया हुआ एनोटेटी दिया हुआ सेम फार्मूला दिस क्वेश्चन है इसमें कुछ करने के बाद कैलकुलेशन की बात नहीं कर सकते बस कांसेप्ट तो यही है ठीक है तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा 0.22 बी हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 75 का व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शनल इट इज कैलकुलेटेड इट ऑलवेज इक्वल टू द एलिमेंट्री 75 का जो आंसर एक होगा it may be a whole number is wrong fractional नहीं हो सकता
देखो फ्रैक्शन कभी भी मॉलिक्यूलर रेटिंग नहीं हो सकता, इसलिए 75 का ये आंसर गलत दिया होगा। 76 अगेन सेम क्वेश्चन है जो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में दिया था। 76 77 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द ऑर्डर, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर फॉर द ऑर्डर, कैन बी अ कैन नेवर बी अ नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव गलत है, कैन बी नेगेटिव देता तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो 77 का ऑप्शन सी गलत दिया, मतलब सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में देखो आप, 78 में क्या दिया हुआ, H2 प्लस I2 टेंड्स टू गिव K1 K2 ट्वाइस ऑफ HI। एक्चुअली अब ये दो रिएक्शन है, तो पहला रिएक्शन हो जाएगा H2 प्लस I2 टेंड्स टू गिव K1 ट्वाइस ऑफ HI, और इसके लिए रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, R बराबर हो जाएगा K1 H2 I2। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ HI टेंड्स टू गिव K2 H2 प्लस I2, तो ये R बराबर कितना हो जाएगा K2 HI। आपको उसने क्या पूछा है, -1/2 d ऑफ HI/dt ये पूछा है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा K1 H2 I2। ठीक है, अब यहां पे उसने कंजम्पशन पूछा कि प्रोडक्शन पूछा, ये उसने पूछा है, उसने पूछा है द नेट फॉर्मेशन, ओके प्लस में पूछा ना, तो पहले वाले के लिए ये प्लस होगा, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस ऑफ K2 ऑफ HI। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देखो थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था, इसलिए लास्ट का जो आपका 10 लेक्चर थे, 11th नंबर का लेक्चर मैं ये बोलूंगा एक बार आप देखेगा, इनफैक्ट आप अपने आप को बोनस मार्क्स दे सकते हैं इसके लिए, हालांकि सब बच्चों ने नहीं देखा था इसलिए बोलता हूँ कभी कभी देख लेना सही होता है। जो बच्चे बोलते ना कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, देखो ऐसा कोई नहीं सिलेबस है, हालांकि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया देखो, बट क्वेश्चन इस टाइप के नीट में पूछे हुए हैं, तो जेई मेंस प्लस है और नीट में कोई फर्क नहीं है बेटा, तो याद रखना ये जेई मेंस में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा 11th नंबर लेक्चर देखिएगा, हालांकि फिलहाल के लिए आप अपने आपको बोनस मार्क्स दे सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 अगेन देखो, जब एलिमेंट्री रिएक्शन जब कुछ ना दिया था, एलिमेंट्री रिएक्शन तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा, वॉल्यूम 3 टाइम्स घट रहा है तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ेगा, इसका जो रेट जो चेंज होगा 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 79 का सी हो जाएगा। 80 का क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ T50 और T90, T50 90% मेरे किसके बराबर होता है, 10/3 ऑफ T50 T½, तो T½ बाय T90% कितने बराबर होगा, 3:10, ऐसा स्टैमिंग इसलिए बोला था आपको याद रखने के लिए। ठीक है, 3:10 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर जो होगा, ओके 81 में भी कुछ नहीं था, 81 क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है करें रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट लो आपको लिखना ओवरऑल इस रिएक्शन से, तो स्लोवेस्ट स्टेप का आपका ये है रेट बराबर के ए ऑफ आर, तो आपके ए मेरा दिख रहा है, ए इंटरमीडिएट है, ओवरऑल नेट रिएक्शन आपका ये था, पी प्लस क्यू प्लस दिया जिसके बीच में ए नहीं आ रहा, ए आपको हटाना होगा, ए आपको मैंने बोला था ए हटाने के लिए हमेशा इक्विलिब्रियम वाला टर्म यूज करेगा, तो के इक्विलिब्रियम पहले स्टेप से क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ पी इनटू क्यू, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा के इक्विलिब्रियम पी इंटू क्यू, इसका मतलब रेट अब जो होगा के इंटू के इक्विलिब्रियम पी इंटू क्यू इंटू आर, तो के इंटू के इक्विलिब्रियम को मैं क्या लिख सकता हूँ, के डैश लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, इज दैट क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नेदर दैट्स आर द थ्रेशोल्ड एनर्जी, 83 milk turns source at 40 degrees Celsius, 3 times faster at the 0 degrees Celsius, the energy of activation, and again, ln K2 by K1 equal to 2.303, same formula lagega, ठीक है? But कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, 83 T1 टेंपरेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन,
और इसके भी रेट कांस्टेंट K1 है। T2 टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये होगा 273 + 40, तो दैट्स नथिंग 313 केल्विन, ठीक है, 313 केल्विन। और ये दिया हुआ K2, K2 थ्री टाइम्स ऑफ K1 दिया हुआ, ठीक है। तो log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 RTR 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, सब आपको दिया हुआ T1 T2 K2, तो log K2 बाय K1 ये 3 हो जाएगा। EA की वैल्यू आपको निकालनी है, किसमें निकालनी है, कैलोरी किलो कैलोरी में निकालनी है, किलो कैलोरी में निकालनी है। इसका मतलब ये होगा कि ये 2.303 इंटू 2 इंटू 10^-3 मल्टीप्लाई करो ताकि किलो कैलोरी में आ जाएगा 1/273 माइनस 1/313। यहाँ से कैलकुलेट करो तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल जाएगी और इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो जाएगा 83 का 4.694, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, H2 प्लस I2 ट्वाइस लॉग के वर्सेस टेम्परेचर इतना आर 2.9 एंड 1.1 एस्टीमेट एक्टिवेशन एलएन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो आई होप सो आपने निकाल दिया होगा। तो 84 का आंसर बी हो जाएगा। 85 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एक्सप्रेशन टू द फॉर द फर्स्ट ऑर्डर तो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंडिंग ऑन द 85 का ये आंसर होगा, ठीक है। 86 रेडियो एक्टिविटी हमेशा जीरो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो 86 का बी हो जाएगा। 87 क्या हो जाएगा, A0/80, चलो ठीक है, 87 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/8 × 10⁴, तो द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना, तो k बराबर 1/24 ln a0, और कितने टाइम्स हो गया, a0/8 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया 1/24 ln 2 का पावर क्यूब कर सकता हूं, 8 ऊपर चला जाएगा, तो 1/8 ln 2 आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो जाएगा ln 2/8, मतलब c। 88 आप अपने आपको बोनस मार्क्स दे सकते हो, दैट इज योर आउट ऑफ योर सिलेबस, या आपके कभी सिलेबस में नहीं आएगा। 89 का आंसर बी हो जाएगा। 90 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसे बोला था 90 नंबर, अगेन ये वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वाले का क्वेश्चन है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है k बराबर 1/T ln V∞/V∞-VT, ठीक है। आप ये एक बार प्लीज वो मेरा एडवांस का पहला लेक्चर आप देखिएगा केमिकल एनालिसिस का जो आपको दिया हुआ, हालांकि ये ऑर्डर 1 ही होता है, फर्स्ट ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है। यहां पे क्या होता है कि देखो नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट किसमें डिसोसिएट होगा, NH4NO3 किसमें डिसोसिएट होगा, ये होगा NH3+HNO3, ठीक है, ये इसमें डिसोसिएट होता है। तो ये सारी लिक्विड होता है, तो इस गैस के ऊपर ही ये डिपेंड करेगा और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ठीक है। तो दिस वाज ओवर, दो तीन क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी सब क्वेश्चन आया ऑन एन एवरेज पेपर था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट क्वेश्चन आसान थे, ऐसा नहीं था कि आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन वाकई में, जिस बच्चे के 100 से कम इसके में, इसके बाद आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑलमोस्ट 85-90% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड था, एनसीईआरटी से ऊपर बहुत ज्यादा नहीं था, 10% क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हटा दो तो पता लगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, तो फिर अगर आप नहीं समझते हैं।